अंग्रेजों ने एक कानून बनाया सन 1860 में इस देश में, उस कानून का नाम रखा है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, आपकी आमदनी पर कर लेने का कानून। दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत से यह शुरू हुआ, आमदनी पर कर लेने का कानून, इनकम पर टैक्स लेने का कानून। हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने बहुत ढूंढा, कोई एक राजा ऐसा नहीं मिला जिसने कभी इनकम पर टैक्स लगाया। इस देश में तो ऐसे राजा हुए जो कहा करते थे कि इनकम को कभी भी टैक्स मत लगाओ, टैक्स लगाना है तो खर्चे पर लगाओ, एक्सपेंडिचर पे लगाओ। एक महान व्यक्ति हुए इस देश में जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। संयोग से वो इस देश के प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही एक व्यवस्था की कि किसी पर कोई कर नहीं होगा, ये उनकी फिलॉसफी थी। उनका कहना था कि जिस राज्य की प्रजा पर कर ज्यादा होता है वो राज्य भिखारी होता है। वो कहते थे कर लगा के राजा के हाथ में ज्यादा पैसा देना बहुत बड़े खतरे को निमंत्रण देना है। राजा का दिमाग कब खराब हो जाए और कब आपके दिए गए कर को वो बर्बाद करना शुरू कर दे, आप क्या करेंगे? इसलिए कहते थे पैसे लोगों के हाथ में रहने चाहिए, समाज के पास रहने चाहिए, राजा के पास कम से कम पैसे आने चाहिए, इसलिए कर कम से कम होना चाहिए। तो उन्होंने ये व्यवस्था दी थी। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? जितने साल चाणक्य इस देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत दुनिया में सोने की चिड़िया जैसा देश था, क्योंकि लोग संपन्न थे, लोगों के पास संपत्ति थी, क्योंकि लोगों का पैसा सरकार के हाथ में नहीं जा रहा था। तो लोग संपन्न थे, लोगों के हाथ में संपत्ति थी, पैसा लोगों के पास था, समाज के पास था। चाणक्य के रास्ते पर जो जो राजा इस देश में चला, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे समुद्रगुप्त, जैसे हर्षवर्धन, ऐसे बीसियों राजा थे जिन्होंने चाणक्य की फिलॉसफी को अपनाया और उन्होंने कर नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। परिणाम यह हुआ कि जिस जिस राजा ने टैक्स नहीं लिया, हरेक राजा के राज्य की प्रजा सुखी थी, संपन्न थी, धन था, संपत्ति था, ऐश्वर्य था और भारत दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता था। अंग्रेजों ने पहली बार इस देश में कानून बनाया और इनकम पर टैक्स लगाया और 1860 में यह कानून पारित हुआ और इस देश में लागू हुआ। जब यह कानून ब्रिटिश संसद ने पारित किया तो इस पर बहुत बहस हुई और उस बहस के सारे दस्तावेज ब्रिटिश पार्लियामेंट से मैंने निकाले और उनका जब अभ्यास किया तो चित्र कुछ और ही दिखाई दिया। अंग्रेजों ने यह कानून क्यों लगाया, क्या जरूरत थी इस कानून को लगाने की? पता यह चला कि 1860 से 3 साल पहले 1857 में क्रांति हुई थी इस देश में। उस क्रांति को हम आजादी का पहला संग्राम मानते हैं। अंग्रेज उसको सैनिक विद्रोह कहा करते थे, हम उसको आजादी का पहला संग्राम मानते थे। उस क्रांति में नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, इन क्रांतिकारियों ने एक बड़ा समूह बनाया था, बहुत बड़ा संगठन तैयार किया और यह संगठन बनाने का काम 1856 से शुरू हुआ था। बिठूर नाम के गांव में कानपुर के पास पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में 4 लोग शामिल हुए थे, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, अजी मुल्ला और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इन चारों ने मिलकर तय किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी संग्राम की स्थिति बनानी चाहिए देश में। तो तय हो गया, संगठन के लिए गांव-गांव घूमना शुरू किया। 1 साल में संगठन इतना बड़ा हो गया कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, 350 स्थानों पर समूह तैयार हो गए क्रांति के लिए और इन सब ने मिलकर एक तारीख तय की कि 31 मई 1857 को एक साथ पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की जाएगी और अंग्रेजों का शासन उखाड़ कर फेंक दिया जाए। जब यह तय हो गया और उसके लिए प्रयास शुरू हुआ, उसी समय एक दुर्घटना घटित हो गई। दुर्घटना क्या घटित हो गई? भारत देश में एक अमर शहीद हुए, उनका नाम था मंगल पांडे। अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया, बैरकपुर की छावनी में उनको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे ने किया क्या था? उनको एक दिन यह पता चला कि अंग्रेजों की सेना में काम करते हुए जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं उस पर गाय की चर्बी लगी होती है। उन्होंने इस बात को कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी मेजर जनरल ह्यूसन के साथ संपर्क किया।
और पूछा कि क्या यह बात सच है कि कारतूस पर गाय की चर्बी लगी होती है। ह्यूसन ने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता, यह सच भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। मंगल पांडे को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा यह क्या बात है, सच भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, एक जवाब दीजिए, या तो यह सच है या तो यह झूठ है। ह्यूसन ने जवाब नहीं दिया, मंगल पांडे ने अपनी गोली से ह्यूसन को ढेर कर दिया, मार डाला। फिर ह्यूसन जैसा एक दूसरा अधिकारी था, उसने मंगल पांडे को पकड़ने की कोशिश की, दूसरी गोली मंगल पांडे ने उनको उतार दी, बंदूक में दो ही गोली आती थी, दोनों उन्होंने उतार दी। दो गोली और भरने के लिए जब तक कोशिश कर रहे थे तब तक कुछ अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया, पकड़कर उनके ऊपर मुकदमा चला। 10 दिन के अंदर उनको फांसी की सजा सुनाई गई। मुकदमा 29 मार्च से शुरू हुआ था, 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। जिस बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे को फांसी हुई, उस बैरकपुर की छावनी के 1100 भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, अपनी वर्दियां उतार दी, टोप उतार दिए, और बैरकपुर से थोड़ी दूरी पर गंगा नदी बहती है, गंगा नदी में जाकर उन्होंने हाथ में गंगाजल उठाया और कसम खाई कि जिन अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दी है उन अंग्रेजों को अब हम भारत से निकाल कर ही दम लेंगे। फिर ये 1100 सैनिक गांव-गांव फैल गए, 5-5, 7-7 के समूह बना दिए, गांव-गांव में इन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, और अंग्रेज कैसे गाय पर अत्याचार कर रहे हैं वो कहानी घर घर सुनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने उस जमाने में कुछ कत्ल खाने खोले हुए थे, जहां हजारों गायों का कत्ल होता था उनका मांस अंग्रेज खाया करते थे और हिंदुओं को चिढ़ाया करते थे। ये बात फैलती गई, गाय हमारे लिए पूजनीय है, गाय हमारे लिए पवित्र है, हम उसका कत्ल होते देख नहीं सकते, कोई भी सामान्य भारतवासी नहीं देख सकता, तो भारतवासियों का खून उबलने लगा और धीरे धीरे क्रांति के लिए माहौल बनने लगा। ये माहौल एक दिन फट गया, 10 मई 1857 को मेरठ में कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को घर में जिंदा जला दिया और वहां से चिंगारी भड़क गई। 10 मई को मेरठ में अंग्रेज जले, 11 मई को दिल्ली में जलाए गए, फिर 12 मई को बरेली में, शाहजहांपुर में, फिर सहारनपुर में, फिर रुड़की में, फिर हरिद्वार में, अलीगढ़ में, इटावा में, मेरठ में, उसके बाद एटा में, पूरा 350 नगरों का काफिला जहां अंग्रेजों के घर धू धू करके जल गए, बहुत सारे अंग्रेज जलकर मर गए। जो अंग्रेज भागने की कोशिश कर रहे थे उनको भारतवासियों ने गले से काट दिया, हसियों से काट दिया, गड़ासों से काट दिया। इस 1857 की क्रांति में सारे देश में 3,64,000 से ज्यादा अंग्रेज मारे गए, 4 महीने में, सिर्फ मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना। 1 सितंबर 1857 को सारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। कहीं भी देश में यूनियन जैक नहीं था, हर जगह पर भारत देश का झंडा था, हर एक रियासत इस देश की आजाद हो गई। इस पूरी लड़ाई में 4.5 से 5 करोड़ भारतवासियों ने भाग लिया अंग्रेजों के खिलाफ। कितनी बड़ी लड़ाई थी आप अंदाजा लगाइए कि 4.5 करोड़ भारतवासी अगर हसीये से भी लड़ रहे हों, तलवारों से भी लड़ रहे हों, तो 4.5 करोड़ हसीये बनाने के लिए लोहा लगा होगा, उस लोहे को लगाने के लिए हजारों मीट्रिक टन कच्चा लोहा लगा होगा, उस कच्चे लोहे को गलाने के लिए हजारों भट्टियां बनी होंगी, उन भट्टियों में लोहा गलाने का काम किसी ने तो किया होगा। और मैंने जब इतिहास ढूंढा तो पता चला कि हजारों हजारों टन कच्चे लोहे से हसिया बनाना, कच्चे लोहे से तलवार बनाना, बंदूकें बनाना, नाल बनाना, ये जिन लोगों ने किया उनको हम इस देश में बंजारा जाति के लोग कहते हैं, जो गांव गांव गली गली अपना एक छोटा सा आशियाना बनाकर रहते हैं, जो अपना पक्का घर कभी नहीं बनाते, किसी भी शहर के गांव के बाहर बस जाते हैं, उनकी एक छोटी सी बैलगाड़ी होती है, उसी में उनकी पूरी जिंदगी ढोती है, वो कहीं भी बैलगाड़ी खड़ी होती है वहीं गांव बस जाता है, थोड़े दिन वो रहते हैं फिर दूसरे गांव में चले जाते हैं। एक बार ये बंजारा जाति के लोगों से मैंने पूछा, आप अपना घर बना के पक्का क्यों नहीं रहते, तो उन्होंने जवाब दिया मुझे, उन्होंने कहा हमारे राजा ने जब अपनी जिंदगी में कभी अपना घर नहीं बनाया तो हम कैसे बना सकते।
तो मैंने आपसे उनसे पूछा आपका राजा कौन था। उन्होंने कहा महाराजा राणा प्रताप हमारे राजा थे, जिन्होंने जिंदगी भर अपने लिए घर नहीं बनाया, हम कैसे बना सकते हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं और हम तब तक अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताएंगे जब तक हमारे राजा के प्राण वापस हम में किसी में नहीं आते, पुनर्जन्म नहीं होता। तो ऐसे बंजारा जाति के लोग करोड़ों टन उन्होंने लोहा गलाया, हसिया बना के दिया, तलवार बना के दी, बंदूकें बना के दी। फिर मन में प्रश्न आता है कि कच्चा लोहा लाने के लिए पैसे लगे होंगे, वो पैसे कहां से आए, किसी ने पैसे दिए होंगे। तो समाज के व्यापारियों ने उद्योगपतियों ने पैसे दिए। अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि 1857 की क्रांति में 480 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और उस जमाने के 480 करोड़ रुपए को आज अगर आप गिनना चाहें तो 300 से गुणा करना पड़ेगा। इतनी बड़ी रकम व्यापारी और उद्योगपतियों ने दान में दी। तो अंग्रेजों की संसद में बहस ये हुई कि आखिर इतना पैसा भारतवासियों के पास आया कहां से। तो भारतवासियों ने कहीं से ये कमाया, लूट के तो नहीं लाया। और वो कमाने का तरीका ये था कि 3000 साल से भारत के व्यापारी और उद्योगपति दूसरे देशों में अपना माल बेचने के लिए जाया करते थे और बदले में सोना और चांदी कमाकर लाया करते थे। भारत का कपड़ा बिकता था दूसरे देशों में। आपने कभी सुना होगा ढाका की मलमल बनती थी, सूरत की मलमल बनती थी। मलमल का 15 मीटर का एक थान होता था, वो इतना नरम और मुलायम होता था कि तह बनाते बनाते आप एक माचिस की डिब्बी में उसको रख सकते थे। 15 मीटर का कपड़े का थान एक अंगूठी के छल्ले में से पूरा खींच कर निकाल सकते थे, इतनी बारीक बुनाई इस देश में हुआ करती थी। और वो कपड़ा बेचने जब भारत के लोग दुनिया भर में जाया करते थे तो आपको सुन के अच्छा लगेगा कि वो कपड़ा तराजू के एक पलड़े में रखा जाता था और उसके वजन के बराबर सोना दूसरे पलड़े में रखा जाता था। सोने के बदले में हम अपना कपड़ा बेचते थे। हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया इस देश, हमने लोहा बेचकर सोना कमाया इस देश। 36 तरह की वस्तुएं भारत की जाती थी बिकने के लिए, उसमें से सोना चांदी बह बहकर भारत में आता था। और 3000 साल भारत निर्यातक देश था दुनिया का, 33% से ज्यादा निर्यात भारत किया करता था दुनिया में, 27% से ज्यादा दुनिया की आमदनी थी इस देश की। उस कारण से देश सोने की चिड़िया हो गया था। तो अंग्रेजों की संसद में जब ये सारी बात बताई गई कि भारतवासियों के पास धन और संपत्ति कहां से आया, तो अंग्रेजों ने तय किया कि भारतवासियों के पास अब धन छोड़ना नहीं चाहिए, वरना यह धन अगर भारतवासियों के पास रहेगा दोबारा फिर क्रांति होगी, तीसरी बार फिर क्रांति होगी और हम तो भारत में राज नहीं कर पाएंगे। तो भारतवासियों का सारा धन छीन लेना चाहिए। इसके लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। और कानून में व्यवस्था यह की गई कि 100 रुपए किसी भारतवासी के पास है आमदनी के तो 97 रुपए उससे छीन लिए जाए। इनकम टैक्स 97% लगाया गया। फिर उससे अंग्रेजों को संतोष नहीं हुआ। अंग्रेजों की संसद ने और एक फैसला किया कि भारत का उद्योगपति और व्यापारी कोई भी सामान का उत्पादन कर रहा है तो उसके उत्पादन पर भी कर लगाना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी। वो 350% उन्होंने लगाई। फिर उन्होंने एक और फैसला किया कि अंग्रेजों के देश भारत के व्यापारी अगर कोई माल बेचते हैं उत्पादन करके तो बेचने पर कर लगाना चाहिए, टैक्स, उसको सेल्स टैक्स कहा। मुनाफा कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स, बेच रहे हैं तो सेल्स टैक्स, उत्पादन कर रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी, माल को एक गांव से दूसरे गांव लेकर जा रहे हैं तो ऑक्ट्रॉय टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बीसियों तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए। उद्देश्य एक ही था, लूटना है भारतवासियों का पैसा। अब अंग्रेज ये सारा पैसा लूट लूट कर भारतवासियों से लंदन ले जाने लगे और इस देश की टैक्स व्यवस्था के चलते 100 साल के अंदर भारत सोने की चिड़िया से कंगाल देश बन गया, भिखारी देश बन गया। मुझे अफसोस और दुख इस बात का है कि गोरे अंग्रेज जब इस देश पर टैक्स लगाकर माल लूटते थे, पैसा लेते थे, लंदन लेके जाते थे और लंदन में जमा करते थे तो लंदन अमीर होता गया, भारत गरीब होता गया, इंग्लैंड अमीर होता गया, भारत गरीब होता गया। तो भारत के क्रांतिकारियों ने सपना देखा
एक दिन अंग्रेज चले जाएंगे तो अंग्रेजों का टैक्स कानून भी चला जाएगा, भारत के लोगों की लूट भी बंद हो जाएगी, भारत फिर से समृद्धशाली और संपत्तिवान देश हो जाएगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेजों के चले जाने के बाद काले अंग्रेजों के हाथ में इस देश की सत्ता आई। टैक्स के कानून वही के वही इस देश में लगाए गए, एक भी टैक्स काले भारतवासियों ने हटाया नहीं। अंग्रेज लूट रहे थे इस देश को और लंदन ले जा रहे थे टैक्स का पैसा। अब इन काले अंग्रेजों ने 62 साल इस देश को लूटना शुरू किया और पैसा ले जाकर स्विट्जरलैंड में जमा करना शुरू किया। लूट की तो दोनों ही व्यवस्थाएं इस देश में चल रही। कैसे कहें कि देश आजाद हो गया। अंग्रेज लूटते थे एक साल में 70,000 करोड़, ये अंग्रेजों की संसद के आंकड़े हैं। एक साल में टैक्स लगाकर, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स, 23 तरह के टैक्स अंग्रेजों ने लगाए थे। एक साल में 70,000 करोड़ लूट कर ले जाते थे लंदन। अब इन काले अंग्रेजों ने इस देश में आजादी के 62 साल के बाद 64 तरह के टैक्स लगाए हुए हैं और हर साल 20 लाख करोड़ रुपए देश से लूट रहे हैं और लूट कर ये धन स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर रहे हैं। नेताओं के घर भर रहे हैं, हमारे घर खाली हो रहे हैं। ऐसी लूट की व्यवस्था जिस देश में चल रही है उसमें हम कहते हैं लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है कि लूट तंत्र है? इस देश के नेताओं को मैं पूछता हूं कि आप 64 तरह के टैक्स क्यों लगाते हैं इस देश के ऊपर? अंग्रेज 23 लगाते थे, आपने 64 टैक्स लगा दिए। करना तो यह चाहिए था कि अंग्रेजों के सारे टैक्स खत्म हो जाने चाहिए थे। तो काले अंग्रेज मुझे जवाब देते हैं कि देश का विकास करना है ना, उसके लिए पैसे चाहिए। तो फिर इन काले अंग्रेजों से पूछता हूं 62 साल में कितना विकास हो गया है देश का, जरा बताइए। आजादी के 62 साल में क्या विकास हुआ है? मैं आपको सरकार के आंकड़े बताता हूं। आजादी जब मिली 1947 15 अगस्त को तो इस देश में 4,50,00,000 लोग गरीब थे। अब आजादी के 62 साल के बाद इस देश में 84 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं। हमारे देश की जो वर्तमान सरकार है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, इस सरकार ने एक कमीशन बनाया था। उस कमीशन का नाम है अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन। उस कमीशन ने 5 साल इस देश में सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के बाद बताया कि 84 करोड़ भारतवासियों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है, इसलिए वो सब गरीबी की रेखा के नीचे हैं। आजादी आई थी तो 4.5 करोड़ गरीब थे, आजादी के बाद 84 करोड़ गरीब हो गए, गरीबी 21 गुना बढ़ गई इस देश में। काले अंग्रेजों को मैं पूछता हूं गरीबी इतनी क्यों बढ़ गई इस देश में, तो मूर्ख बनाने वाला उत्तर देते हैं और वो समझते हैं कि जैसे मैं तो मूर्ख बन जाऊंगा। वो मुझे उत्तर देते हैं नेता इस देश के, वो कहते हैं जी आबादी बढ़ गई इस देश की इसलिए गरीबी बढ़ गई। फिर मैं उनसे कहता हूं अच्छा बताओ आबादी कितनी बढ़ गई? हम आजादी के समय 32 करोड़ थे, अब आबादी में 115 करोड़ हो गए, हमारी आबादी लगभग 3.5 गुनी बढ़ गई या मान लो 4 गुनी बढ़ गई। तो गरीबी 4 गुनी बढ़नी चाहिए, तो गरीबी 16 करोड़ होनी चाहिए, ये 84 करोड़ कहां से हो गई? तब वो जवाब नहीं देते। फिर मैं जवाब देता हूं, मैं कहता हूं इसका उत्तर मेरे पास है, आपके पास नहीं है। आजादी के 62 साल में इस देश के लोगों की लूट 21 गुना बढ़ गई, इसलिए गरीबी 21 गुना बढ़ गई इस देश। कितनी लूट हो रही है इस देश की। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम था राजीव गांधी। उन्होंने 1984 में संसद भवन में यह बताया कि जब 1 रुपया में किसी गरीब आदमी के विकास के लिए दिल्ली से भेजता हूं तो उस गरीब आदमी के पास सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। ये 1984 में कहा। अब 2009 आ गया, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अब दिल्ली से 1 रुपया जब चलता है गरीब आदमी के लिए तो शायद गरीब आदमी तक 10 पैसा भी नहीं पहुंचता है। लूट का 90 पैसा नेताओं की जेब में और अधिकारियों की जेब में चला जाता है। ये मैंने नहीं कहा, राजीव गांधी ने कहा। और राजीव गांधी के कहे हुए को कोई प्रधानमंत्री माई का लाल अभी तक झुठला नहीं सका। एक भी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं हुई जो कहे कि राजीव गांधी ने गलत कहा।
सब प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं, लूट होती है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि एक रुपए में 90 पैसे की लूट अगर इस देश में हो रही है तो आपके दिए गए टैक्स के पैसे के 90% की लूट हो रही है, यह सीधा सा मतलब है। और हम टैक्स का कितना पैसा देते हैं, केंद्र सरकार को एक साल में 6.25 लाख करोड़ देते हैं, 31 राज्य सरकारों को कुल मिलाकर 12 लाख करोड़ देते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलाकर, राज्य सरकार को मिलाकर, केंद्र सरकार को मिलाकर 20 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं। केंद्र सरकार अलग योजना बनाती है गरीबी दूर करने की, राज्य सरकार अलग योजना बनाती है गरीबी दूर करने की, जिला सरकारें अलग योजना बनाती हैं गरीबी दूर करने की, और यह गरीबी ही दूर नहीं होती इस देश में। मैंने तो जब अभ्यास किया तो पता चला गरीबी तो नेताओं की दूर हो रही है और अधिकारियों की दूर हो रही है, आम आदमी की नहीं।